मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का 11 बज चुका है और आज मैं रुका हूँ। ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं पीछे में, तो मैं आज यहीं पर रुका हूँ। देखो कुछ इस तरह का है और आज मैं यहीं पर रुका था रात को। एक्चुअली यहाँ पर मेरा भांजे का घर है, तो मैं रात को स्टे किया भांजे के घर में। मैं आपको अपना गाड़ी का पोजीशन कुछ इस तरह का दिखाता हूँ। गाड़ी का हालत पूरा ख़राब है, कल बारिश होने से उसका खराब हो गया। आज का भी हम लोग का प्लान है काके डैम होते हुए पतरातू जाएंगे। तो आज मेरा बाइक का आराम करने का दिन है, तो बाइक कार हम लोग निकलेंगे। आए हुए हैं पतरातू वैली, देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है। एक तो ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग अभी रुके हुए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं हार्ट शेप देखने के लिए। किसका हार्ट शेप? अपना नहीं, रोड का। रोड का हार्ट शेप दिखेगा अभी देर में। अभी हम लोग उसका ऊपर से जो देख रहे हैं उसका ऊपर से उतरे हैं। यहाँ का एक व्यू है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। यहाँ आने के लिए आपको फर्स्ट रांची स्टेशन आना पड़ेगा। रांची स्टेशन से आप कोई भी प्राइवेट कार लेकर आप आ सकते हैं, बुकिंग करा कर। ये पतरातू वैली इसका नाम है। यहाँ पर बहुत सारा व्यू पॉइंट आपको मिलेगा। तो आपको रांची स्टेशन से यहाँ आने के लिए मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा या 45 मिनट का समय लगने वाला, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आराम से आप आ सकते हैं, या फिर बस स्टैंड भी आते हैं तो वहाँ से भी आप आराम से आ सकते हैं। तो अभी गाइस निकल रहे हैं पतरातू डैम के लिए, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो गाइज अभी पतरातू वैली हम लोग देख लिए हैं। देखने के बाद आए हैं अभी पतरातू डैम। तो अभी हम लोग देखेंगे पतरातू डैम। तो चलिए आपको ले चलते हैं पतरातू डैम। पीछे में जो दिख रहा है वो है आपका पतरातू डैम। चलिए हम आपको ले चलते हैं। तो गाइज अभी जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। तो अभी हम लोग बोटिंग करेंगे। यहाँ का कुछ व्यू इस तरह का देखिए। तो अगर आप लोगों को घोड़ा चढ़ना है तो यहाँ घोड़ा भी अवेलेबल है। और ये है आपका, देख सकते ख्याल कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग स्पीड बोट में जाने वाले हैं चढ़ने के लिए। तो भैया से पूछते हैं कि भैया बताएंगे इसका प्राइस क्या है। भैया इसका प्राइस क्या है? स्पीड बोट का प्राइस 1200 रुपया है एक बोट का। एक बोट कितना आदमी जा सकते हैं? बड़े जा सकते हैं, बच्चा 2-3 लेते हैं। बच्चा 2-3? कितना देर तक घुमाते हैं? 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट जी। तो 5 से 6 मिनट का 1200 रुपया लगने वाला है, जिसमें से एडल्ट जो होंगे कितना, 6 एडल्ट, 2 या 3 बच्चे जा सकते हैं। और ये जो छोटा वाला मैनुअल बोट है उसका क्या है? आपका 500 रुपये चार्ज है, इसमें 6 जा सकते हैं। अच्छा, तो मैनुअल बोट का भी यहाँ पर 500 रुपये का ही चार्ज है। और
पाँच से छः आदमी और बच्चे वही दो तीन जा सकते हैं। तो इसका टाइमिंग है आपका 20 से 25 मिनट। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये कहाँ तक ले, भैया बता रहे थे उस तरफ एरिया में ले जाते हैं, उस तरफ घुमाकर फिर इसे घुमाते हुए फिर लेकर आते हैं। लोग इसको स्पीड बोट में बैठना कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि अभी उससे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग मैनुअल बोट से जा रहे हैं। जो भैया बोले थे 500 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन उसको फाइनल हम लोग 400 में किए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कौन सा बोट अच्छा है, उसी में बैठेंगे। तो ये बोट है, लाल पीला हरा नीला सब है यहाँ पर। हाँ कौन सा? अच्छा देख लो कौन सा साफ सुथरा है। ये हम लोग की दुल्हनिया तैयार हो रही है, ये दुल्हनिया ना कौन सा भैया वो नहीं बताएंगे आप, बोलो ना उनको कौन सा ये वाला बोट किसका है। तो चलिए बात हो गया, बात हो गया। 400 भैया, 400 में बात हो गया, 400 में बात हुआ भैया गेट पे। आप देख लीजिए भैया को अभी 500 रुपये दिए हैं, वहाँ पर फाइनल बात 400 का हुआ है। भैया अभी कंफर्म कर रहे हैं, 400 वीडियो बना रहे का है ताकि आप लोग झूठ ना बोले, इसलिए वीडियो यूट्यूब में जाएगा। यूट्यूब में एरिया हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। यूट्यूबर हैं भैया? हाँ पूरा तो बंद हो गया भैया हम लोग का, तो मालूम है। तो अभी खुलवाइए, हम लोग नहीं ना खुलवा सकते हैं, ये तो आपका कोरोना ही ऐसा है ना। 100 रुपये तो था फिर इनको। तो भैया अभी हम लोग का टिकट काट दिए हैं, तो ये 300 + 100 = 400 रुपये का टोटल बोट का चार्जेस है। तो रेल कट वहाँ कौन सोया है भाई? अच्छा वहाँ पे यहाँ यहाँ उसमें कोई सोया है क्या? तो जा रहे हैं अभी बोटिंग करने के लिए। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम सरवर आलम। सरवर आलम? यस। अच्छा आप कितना दिन से चला रहे हैं यहाँ पर? 4-5 साल से चला रहे हैं। 5 साल हो गया आपको चलाते हुए। यहाँ पर अंदर जाने से कोई डर है कुछ ऐसा? मान लीजिए हम लोग कहीं गिर गए कुछ हो गया तो? के लिए व्यवस्था हम लोग रखे हैं। क्या है? लाइफ जैकेट जो रखा हुआ है। लाइफ जैकेट भी तो आपको तो अभी हम लोग ऐसे ही बैठे हुए, तो पहले उठने से पहले आपको पहना देना पड़ना चाहिए ना। हम लोग बैठे तो सब पहनना ही पड़ता है भैया। जब गिर जाएंगे तब आप पहनाइएगा लाइफ जैकेट। तो कहानी कुछ ऐसा है कि हम लोग आए हैं और बिना लाइफ जैकेट का बैठे हुए हैं ना। अरे गड़बड़ हो गया तब तो दिखता है। देखो बहुत सारा आ गया राजेश। टाइम हो गया अभी 3 और खाना खाने के लिए अभी रुके हैं एक रेस्टोरेंट में।
जिसका नाम है, नाम क्या है रेस्टोरेंट का तो दिख ही नहीं रहा है, फैमिली रेस्टोरेंट इंडियन चाइनीज तंदूर आउट ऑफ टाउन। ये है आपका रेस्टोरेंट, बैठने का जगह और हम लोग का जगह ये, हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, ये जगह पर बैठकर खाना खाएंगे। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग का खाना आ गया है। खाना में क्या है, रोटी, बटर मसाला और दाल फ्राई। अभी जो रेस्टोरेंट में अभी हम लोग खाना खाए हैं वो आउट ऑफ टाउन, खाना बहुत ही अच्छा था, आप लोग भी यहाँ आकर खा सकते हैं, इसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी बनाया, आप लोग यहाँ पर आकर खा सकते हैं। इस तरह रेस्टोरेंट आपका पतरातू हिल से आने के बाद रिटर्न जब रांची की तरफ आते हैं तो करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर आने के बाद लेफ्ट साइड में मिलेगा। खाना कैसा था बोलो? खाना टेस्टी। खाना कैसा था? डिलीशियस। डिलीशियस, खाना अच्छा था, है ना? वैल्यू आउट ऑफ वैल्यू फॉर मनी। वो भी हम लोग कितना में खाए हैं? मात्र 330 रुपये में, तीन आदमी, लगभग 100 रुपया का हम लोग खाना खाए, इससे सस्ता और क्या चाहिए, है कि नहीं? जगह नाम है मोराबादी, और चाय पी रहे हैं। कैसा है टेस्ट चाय का बताओ फटाफट? आप बताइए, आप आए हैं ना? अच्छा, हम आए हैं। चाय ठीक है, कितना दाम? मात्र 10 रुपया में माइंड फ्रेश, है कि नहीं? बहुत। वहाँ से कहाँ से आए थे हम लोग? ऐसे पतरातू डैम से आने के बाद हालत ख़राब, अभी नींद लग रहा था, अभी चाय पीने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगेगा उम्मीद करते हैं, है ना? इस चेहरे को अच्छे से पहचान लीजिए, है ना? फाइनली हम लोग घर की तरफ आ गए हैं। तो इसी के साथ आज का हम ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।